हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सर्स। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दी थी हमारी ये कॉड एप्लीकेशन की सीरीज, और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिप्लॉय मोनस्टैक ऐप इन नेटलिफाई एंड हेरोकू पर। तो हम लोग यहाँ पर ये जो स्टेप हैं ये सब कुछ फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें करना होगा अकाउंट क्रिएट नेटलिफाई के ऊपर। तो हम लोग जाएंगे netlify.com पर, और आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, इसलिए यहाँ पर मैं लॉग इन करूँगा। और ये तो हम लोगों ने यहाँ पर लॉग इन कर लिया। अब हमें फिर से क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्रिएट करना है हेरोकू पर अकाउंट। तो हम जाएंगे हेरोकू की वेबसाइट पर। यहाँ पर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है न्यू पर और लिखना है क्रिएट न्यू ऐप। यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉड ऐप रिएक्ट जेएस, जो भी नाम अवेलेबल हो यहाँ पर आप लिख लीजिए। और यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट ऐप पर क्लिक, और हम लोगों ने यहाँ पर ये ऐप तो क्रिएट कर ली, लेकिन अब हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा हेरोकू CLI को। तो आपको यहाँ से करना है क्लिक, और आपको यहाँ पर अपनी सिस्टम के अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम लोग वापस यहाँ पर आएंगे, और अब हमें जाना होगा अपने VS कोड एडिटर पे। और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर एक काम करना है, सर्वर फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी होगी जो कि होगी .env फाइल, और उसके अंदर हमें ऐड करना है हमारा डेटाबेस जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इसे डिफाइन किया हुआ है। हम लोग यहाँ से इसे हटाएंगे, यहाँ से हम लोग इसे हटाएंगे, और इस env फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट डेटाबेस, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर नीचे देखेंगे ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं, यहाँ पर लिखा गया कनेक्शन स्टार्ट, ओके। यहाँ पर हमें एक और काम करना है, सर्वर के अंदर ही एक फाइल और क्रिएट करनी होगी जो कि होगी हमारी गिट इग्नोर की फाइल, और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हमारे नोड मॉड्यूल्स की फाइल नोड, और होगी हमारी डॉट env फाइल, और इसे यहाँ से हम लोग कर देंगे सेव। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम जाएंगे हमारी ऐप डॉट जे एस फाइल पर। हम लोग जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ये मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा प्रोसेस डॉट env पोर्ट, क्योंकि ये पोर्ट नंबर तो हमारी लोकल सिस्टम पे ही वर्क करेगा, और जब हम इसे डिप्लॉय करेंगे हेरोकू पर तब वो खुद का एक पोर्ट नंबर इसे प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा प्रोसेस डॉट env पोर्ट। अब हमें जाना है अपने टर्मिनल पे, ऐप को करेंगे बंद, और यहाँ पर आपको लिखना होगा हेरोकू -v। अगर आपको यहाँ पर ये वर्जन शो कर रहा है, इट मीन्स आप लोगों ने हेरोकू CLI को इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको जाना है वापस हेरोकू पर, और आपको यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है CD माय प्रोजेक्ट, मीन्स आपको जाना होगा सर्वर के अंदर, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर करना है गिट इनिट। गिट इनिट करने से पहले हमें यहाँ पर एक काम और करना है, हमें यहाँ पर क्रिएट करनी होगी एक प्रॉक फाइल, ओके। यहाँ पर सर्वर फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक प्रॉक फाइल, यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक प्रॉक फाइल,
जो कि होगी हमारे हीरो कुकी, और यहाँ पर हमें लिखना होगा वेब नोट डिस्ट मेन डॉट जेएस, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेब और जाएंगे अपने पैकेट डॉट जेसन के ऊपर। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टार्ट करके और लिखेंगे यहाँ पर नोड ऐप डॉट जेएस, और हमें यहाँ पर भी यही लिखना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोड ऐप डॉट जेएस और इसे करेंगे सेव, और इसे सेव करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर और इसी स्टेप को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे गिट इनिट, यहाँ पर करेंगे हम लोग गिट इनिट, और उसके बाद यहाँ पर हेरकू गिट रिमोट से यहाँ पर करेंगे एंटर। और फिर यहाँ पर हमें करना है गिट ऐड, और फिर यहाँ पर हम करेंगे इसे कमिट, गिट कमिट, और हमारा ये फाइनल स्टेप होगा गिट पुश हेरोकू मास्टर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है यू कैन नाउ चेंज योर मेन डिप्लॉय ब्रांच फ्रॉम मास्टर टू मेन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसे करेंगे पेस्ट और उसके बाजू में कॉलन यहाँ पर लिखेंगे मास्टर टू मेन और इसे करेंगे एंटर। और ये थोड़ा टाइम लेगा बिल्ड होने के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो बैकेंड का जो पार्ट है वो तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है बिल्ड। फिर मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर ये अभी तो मुझे कुछ शो नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, अपने ऐप डॉट जेएस पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लिखेंगे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट जेसन पर लिखेंगे सर्वर स्टार्ट, और एक बार हम लोग ये सारे स्टेप यहाँ पर करेंगे परफॉर्म। यहाँ पर एक बार लिखेंगे गिट स्टेटस, ओके, ऐड करेंगे गिट ऐड, फिर उसके बाद करेंगे इसे गिट कमिट, फिर गिट पुश हेरोकू मास्टर, यहाँ पर लिखेंगे कॉलन में और इसे करेंगे फिर से बिल्ड। तो ये यहाँ पर सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब हम इसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर हमें मैसेज आ चुका है सर्वर स्टार्ट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ऐप डॉट गेट, फिर यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने सर्वर स्टार्ट। मतलब हमारा ये जो बैकएंड का जो पार्ट है वो तो यहाँ पर सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका, बस हमें इसे यूआरएल को करना है कॉपी और फिर हमें यहाँ पर जाना है अपने क्लाइंट फोल्डर के अंदर, सोर्स के अंदर, और फिर हमारे कंपोनेंट के अंदर हम जाएंगे और जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने फेच मेथड को लिखा है वहाँ पर हम लोग इस यूआरएल को करेंगे पेस्ट। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा इस यूआरएल को और यहाँ पर भी हम लोगों ने डिटेल्स के पेज पर ऐड कर दिया। अब जाएंगे एडिट के पेज पर, तो एडिट के पेज पर भी हम यहाँ पर इसे करेंगे ऐड, और ये यहाँ पर एडिट का पेज भी हो गया। अब जाएंगे होम पेज के ऊपर, तो होम पेज में भी हमें इसे यहाँ पर ऐड करना है और ये डिलीट के लिए भी, होम पेज भी हो गया। अब नया बार नहीं, यहाँ पर जाएंगे सिर्फ रजिस्टर के पेज पर, और रजिस्टर के पेज पर यहाँ पर ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पर इस यूआरएल को ऐड कर दिया। और अब हम जाएंगे अपने पैकेज डॉट जेएसएन फाइल पे, और हम लोगों ने यहाँ पर ये जो प्रॉक्सी लिखी थी इसे हम लोग यहाँ से हटा देंगे, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें यहाँ पर क्लाइंट फोल्डर के अंदर एक
यहाँ पर हमें एक बिल्ड फोल्डर क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम लोग ये नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल है वो हम लोग डिप्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि ये फाइल काफ़ी बड़ी होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक बिल्ड, तो इसे करते हैं क्लोज। और यहाँ पर हमें लिखना है npm रन बिल्ड, तो ये हमारे लिए यहाँ पर करेगा एक बिल्ड फोल्डर, और उसी के अंदर हमारी ये जो सोर्स फाइल और ये पब्लिक फोल्डर, उसी के अंदर ये सब रहेगा। तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बिल्ड हो रही है, जब तक ये बिल्ड होती है तब तक हम लोग एक काम कर लेते हैं। हम लोग जाएंगे यहाँ पर, हम लोग जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पर हमारा ये जो डेटाबेस था वो तो हमें ऐड करना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर इस की के अंदर हम लोग लिखेंगे डेटाबेस, और जाएंगे हमारी यहाँ पर env फाइल, और इसे यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट, और इसे कर देंगे हम लोग ऐड, और हमारा ये बिल्ड फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। बस अब हम लोग जाएंगे नेटलिफाई के ऊपर, और नेटलिफाई के ऊपर जाने के बाद हमें जाना है साइट के अंदर, और साइट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर, हम लोगों ने ये जो बिल्ड फोल्डर क्रिएट किया उसे हम लोग यहाँ पर करेंगे डिप्लॉय। तो हमें जाना है यहाँ पर, जाना है हमें यहाँ पर क्लाइंट के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस बिल्ड को करना है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर, और ये डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर थोड़ी देर में ही आपको एक लिंक शो होगी। तो ये डिप्लॉय हो चुकी है हमारी साइट, इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक। यहाँ पर आपको ये आउटपुट भी यहाँ पर शो हो चुका है। एक काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ये वर्क करता है या नहीं, तो एक यूज़र फटाफट ऐड कर देंगे हम लोग। तो हम लोगों ने एक यूज़र ऐड कर दिया, और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर ये यूज़र ऐड हो चुका है, मतलब हमारी ये जो साइट है यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है और ये सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। अगर आपको इसका लाइव डेमो आपको देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए, और इसका जो भी सोर्स कोड है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप उसे एक बार जरूर चेक कीजिए। हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली हमारी सीरीज, और उसे कैसे डिप्लॉय करना है नेटलिफाई एंड हेरोकू पर वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।